हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी जी। दादा, अभी जो राज्य में वर्तमान राजनीतिक हालात है उसको आप किस रूप में देखते हैं, राज्य के लिए क्या ये बेहतर है? देखिए, सरकार का जहाँ तक सवाल है, राज्य का काम तो बहुत हो रहा है और बहुत काम हम लोगों ने किया है और हेमंत सरकार ने जो आज जो भी निर्णय लिए हैं यहाँ के लिए बहुत ही सकारात्मक सुझाव है, मैंने पाल है। और हम कह रहे हैं कि सरकार अभी जो इन लोगों का आक्रोश रैली है वो अलग चीज़ है, ऑपोजिशन का तो चलता रहता है और चलेगा, लेकिन सरकार का जो फंक्शनिंग है, उनका परफॉर्मेंस है, अभी बहुत ही राज्य के लिए लाभदायक और सकारात्मक ये है। लेकिन इसी बीच जो ईडी और इनकम टैक्स के जो छापे हैं, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो इससे क्या जो लग रहा है कि रफ्तार है उसको रोकने की, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। ईडी का कहाँ कहाँ ईडी चल रहा है और ईडी कहाँ चलना चाहिए, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ईडी ऐसे ही गैर भाजपाई सरकार के में चलता है, लेकिन भाजपाई में नहीं चल रहा है। लेकिन आपको लगता है ना कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, और इसी दौरान जब ये छापेमारी और जो बुलाया जाता है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इससे डिस्टर्ब हो रहा है और लेग पुलिंग हो रहा है, मतलब सरकार को काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। और इसको मतलब डिस्टर्ब करने के ख्याल से ही ये सारा चीज़ हो रहा है। राज्य में जो एक माहौल तैयार किया है बीजेपी ने कि जेएमएम के सरकार में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चले, वो 1000 करोड़ से अधिक का अवैध उत्खनन कर घोटाला कर दिया, तो इसको वो तो जांच का विषय है, जांच में आएगा और उसको हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अभी 1000 करोड़ है कि 2000 करोड़ है, ये जाँच के बाद ही आएगा। क्या डर लगता है आप लोगों को कि राज्यपाल का एटम बम जो है कभी भी फट सकता है? डर हमको नहीं है, नहीं हमको डर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ होगा। आपको लगता है कि उनके पास है कोई एटम बम की वैसे ही? हमको नहीं लगता है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। राज्य में निकाय चुनाव टल गया लगभग, इसको क्या आप मानते हैं, सरकार की कहीं कोई कमी रही जो राज्यपाल तक भेजने से पहले इस पर विचार करना चाहिए था पहले? देखिए, ऐसा है कि एकल पद जो है और शेड्यूल एरिया में करना, ये युक्ति संगत नहीं लगता है, और जिसके वजह से हमको लगता है कि ये चलते TAC की बैठक थी, इसमें भी पूर्ण रूप में इसमें चर्चा नहीं हुआ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि एकल पद को इस तरह से ST वाला को ऐसे करना चाहिए। लेकिन अब तो ये सरकार के स्तर पर जब राज्यपाल के पास भेजा गया तो उससे पहले विचार करना चाहिए था, राज्यपाल के अंतिम मोहर के बावजूद अगर रोकना, ये तो कहीं से संवैधानिक नहीं है। देखिए, ये डिमांड किसी के तरह है जो हम लोग समझ रहे हैं कि एकल पद वाला किस तरह से रोटेशन चल रहा है, ये रोटेशन में अपने समझ से व्यक्तिगत रूप से हम कहना चाहते हैं कि जहाँ जिसकी संख्या नहीं है वहाँ उसकी हो जाती है, तो ये उचित नहीं लगता है। तो ये थे स्टीफन मरांडी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में काम कर रही है, सरकार को प्रभावित करने के लिए ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी कराई जाती है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 रांची। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, KC नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।